क्लास फोर चैप्टर थ्री एक्सप्लोरिंग टक्स पेंट। ये डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड है। क्लास फोर के चैप्टर थ्री में आपको टक्स पेंट के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में भी आपने टक्स पेंट के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर वन, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द टूल दैट इज यूज्ड टू मिक्स टू डिफरेंट कलर्स स्मूथली। अब दो कलर को स्मूथली मिक्स करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर स्मज टूल और इफेक्ट, स्मज टूल या फिर इफेक्ट कहते हैं। सेकंड, व्हिच टूल इज यूज्ड टू गिव द रिपल इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं रिपल इफेक्ट के लिए? आंसर मैजिक टूल। थर्ड, राइट द यूज ऑफ द ड्रिप इफेक्ट। ड्रिप इफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? आंसर दिस टूल gives a dripping effect to the drawing. Dripping effect drawing में देता है। Fourth, what do we call the area where we make our drawing? Drawing जहाँ पर हम लोग बनाते हैं उस area को क्या बोलते हैं? Answer, canvas area और drawing area. Canvas area या फिर drawing area बोलते हैं। Okay. Fifth, what is a stamp tool? Stamp tool क्या होता है? Answer, stamp tool is like ready-made stickers available in tux paint. Ready-made sticker जो होता है उसी की तरह होता है stamp tool, और tux paint में ये available होता है. Okay, next, sixth, what is brick effect? Brick effect क्या होता है? Answer, this effect is used to draw or create brick pattern. Brick pattern create करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। The brick wall can be designed using this option. Brick wall का हम लोग क्या कर सकते हैं? Construct कर सकते हैं, design कर सकते हैं इस tool का इस्तेमाल करके। Brick wall मतलब क्या हुआ? Brick means क्या होता है? ईट। ईट का wall बनाना है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। Seventh, how many types of effect in magic tool? Magic tool में कितने तरह के effect होते हैं? Answer, there are different types of इफेक्ट इन मैजिक टूल। मैजिक टूल में अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। ए एजेज इफेक्ट, एजेज इफेक्ट होता है। बी रिपल्स इफेक्ट, सी रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट, डी ग्रास इफेक्ट, ई वेव इफेक्ट, एफ वेवलेट इफेक्ट, जी फोम इफेक्ट, एच डीप इफेक्ट, आई नॉइज इफेक्ट, जे स्मज इफेक्ट, के ब्लाइंड मैजिक इफेक्ट, L ब्लर इफेक्ट, M ब्रिक इफेक्ट, N कैलीग्राफी इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं मैजिक टूल में। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ कैलीग्राफी इफेक्ट? आंसर, थ्रू कैलीग्राफी इफेक्ट वी कैन एक्टिवेट ड्रॉइंग ब्रश स्मूथ। लोग ड्रॉइंग ब्रश का जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं कैलीग्राफी इफेक्ट से। ओके, नाइन्थ, हाउ कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन टक्स पेंट? टक्स पेंट में बैकग्राउंड कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट है। इसका कलर अगर चेंज करना है तो टक्स पेंट में क्या करेंगे? व्हेन वी टेक न्यू फाइल फॉर ड्रॉइंग, अगर जब न्यू फाइल लेते हैं ड्रॉइंग के लिए, तो सम कलर बॉक्स अपीयर, उस कलर बॉक्स क्या होता है वहां पर अपीयर करता है। वी कैन सेलेक्ट डिजायर कलर, लोगों को जो भी कलर चाहिए होता है वो कलर सेलेक्ट कर लेना होता है बॉक्स से। बाय दिस प्रोसेस वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर इन टक्स पेंट। इस तरीके से हम टक्स पेंट में बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, टेंथ, हाउ विल यू ऐड द बबल इफेक्ट टू योर ड्रॉइंग? ड्रॉइंग में बबल इफेक्ट किस तरीके से हम डाल सकते हैं? थ्रू फोम इफेक्ट यू कैन ऐड द बबल इफेक्ट टू योर ड्रॉइंग। आप फोम इफेक्ट से अपने ड्राइंग में बबल इफेक्ट डाल सकते हैं। ओके, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो ब्लैंक्स है उसमें आपको सही वर्ड फिल करना है। फर्स्ट, द डैश इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू फाइल इन टक्स। टक्स में न्यू फाइल ओपन करने के लिए क्या करते हैं? न्यू टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर न्यू टूल फिल कर देंगे। ओके, सेकंड, we can draw a rainbow effect on the canvas using magic tool. canvas पर हम लोग rainbow effect डाल सकते हैं magic tool का इस्तेमाल करके। third, dash
ग्रे मिक्सचर ऑफ ग्रे ब्लू मैरून एंड व्हाइट डॉट्स, यहाँ पर हम लोग व्हाइट नॉइज फिल कर देंगे. ओके, व्हाइट नॉइज इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रे ब्लू मैरून एंड व्हाइट डॉट्स. ओके, फोर्थ, क्लिक ऑन द शेप्स टूल टू ड्रॉ ए शेप, यहाँ पर शेप टूल भर देंगे, ड्रॉ करने के लिए शेप टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. ओके, फिफ्थ, स्टाम्प टूल प्रोवाइड रेडीमेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स लाइक एनिमल प्लैनेट फ्लावर इटीसी. ठीक है, रेडीमेड जो है हमें स्टिकर प्रोवाइड करता है, कौन सा टूल करता है, तो स्टिकर्स करता है, यहाँ पर स्टिकर्स फिल कर देंगे. सिक्स, डैश इफेक्ट इज यूज्ड टू मिक्स टू डिफरेंट कलर्स स्मूथली, दो कलर को स्मूथली जो है मिक्स करने के लिए कौन सा इफेक्ट का इस्तेमाल होता है, स्मज इफेक्ट का, तो यहाँ पर स्मज इफेक्ट फिल कर देंगे. सेवेंथ, देर आर डैश डिफरेंट शेप्स इन शेप्स टूल, कितने तरह के शेप्स होते हैं शेप टूल में, यहाँ पर 16 डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती है. ओके, रिपल इफेक्ट प्रोवाइड्स रिपल इन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग में रिपल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. नाइन्थ, ब्लैक नॉइज इज ए मिक्सचर ऑफ टाइनी ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स, टाइनी ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ब्लैक नॉइज होता है, तो यहाँ पर ब्लैक नॉइज फिल कर देंगे. ओके, ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वी हैव नो ऑप्शन टू चूज ए पिक्चर एज द स्टार्टिंग बैकग्राउंड ऑफ ए न्यू फाइल, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड, द स्मज इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ एज ऑफ द शेप्स, फॉल्स. थर्ड, रियल रेनबो इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ ए रेनबो दैट वी सी इन द स्काई, ट्रू. फोर्थ, रिपल आर फॉर्म व्हेन वी थ्रो ए स्टोन इन वाटर, ट्रू. ओके, फिफ्थ, ड्रिप मैजिक इफेक्ट इज ए रेडीमेड स्टिकर, फॉल्स. ओके, फोर्थ, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रेड वर्ड करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो रेड वर्ड में दिया है वो करेक्ट है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस यानी कि आपके पास चार चॉइस होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है. ठीक है, वी कैन सेलेक्ट द ड्रिप इफेक्ट फ्रॉम द स्टाम्प टूल, मैजिक टूल, इरेजर टूल और शेप्स टूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैजिक टूल. ओके, बी, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स ऑन द टीवी स्क्रीन व्हेन द सिग्नल इज लॉस्ट आर कॉल्ड ब्लैक नॉइज, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स जो होता है टीवी पे जबकि सिग्नल चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक नॉइज. सी, द टूल यूज्ड टू ओपन ए न्यू रिले इज कॉल्ड द फर्स्ट इरेजर टूल, न्यू टूल, शेप टूल, मैजिक टूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू टूल. डी, द इफेक्ट यूज्ड टू ड्रॉ ए रेनबो ट्रेल इन ड्रॉइंग इज कॉल्ड द वेव्स इफेक्ट, स्मज इफेक्ट, रेनबो इफेक्ट, रील रेनबो इफेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनबो इफेक्ट. ओके, ई, द इफेक्ट यूज टू बिगल ए पिक्चर वर्टिकली इज कॉल्ड द नॉइज इफेक्ट, वेव इफेक्ट, वेवलेट इफेक्ट, स्मज इफेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेवलेट इफेक्ट. ओके दोस्तों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है. उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आपके अपने चैनल ग्रो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you, दोस्तों.